नमस्कार विद्यार्थी, नमस्कार। लास्ट वाले लेक्चर में आप लोगों ने आवयु के योग गुणधर्म और आवयु के गुणन गुणधर्म के बारे में पढ़ा। आज हम लोग इसके आगे जस्ट एक्सरसाइज 3.2 को कवर करेंगे। 3.2 का पहला क्वेश्चन है कि आपके सामने ए दिया गया है, बी दिया गया है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। सिंपल सा है, ए प्लस बी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? इनमें हम ए को -3, 2, 1, 1, -4, 7, इसके साथ हम क्या करते हैं, प्लस बी कर देंगे, 3, 5, -2, -1, 4, -2। अब बिल्कुल सिंपल सा है, इनको हम ऐड करेंगे, -3 + 3, 0, 2 और 5, 7, 1 - 2 - 1, और 1 - 1, 0, -1 + 4, 0, और 7 - 2 कितना आया, 5। तो ए तो हो गया अपना ए प्लस बी निकालना आपको समझ में आ गया कि ए प्लस बी हम कैसे निकालते हैं, ये तो आपका आ गया होगा। अब उसके बाद में ए माइनस बी सेम से हम लोग इसी तरीके से ए माइनस बी हम लोग निकालते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी भी निकालेंगे। अब ए माइनस बी से निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, ए माइनस बी इसी में से जो आपने ऐड किया था इसमें से घटाएंगे, तो -3 में से -3 को घटाएंगे। जैसे एक बार लिख लेते हैं, 3, 2, 1, 1, -4, 7, और घटाना किसको है, 3, 5, -2 एंड -4, -2। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, सबस्ट्रैक्ट करते हैं, -3 में से -3 सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो -6, 2 - 5 सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो -3, 1 - -1 प्लस हो जाएगा और 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 में से -1 प्लस 2 हो जाएगा, -4 और -4 -8 हो जाएगा, और 7 + 2 कितना हो गया, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से -3, 3 और 2 - 8, 9 हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलो हम लोग बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ए प्लस बी इज इक्वल टू इतना, ए माइनस बी इज इक्वल टू इतना, तो ए और बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू, आप लिखो पहले -7, 0, -7, 0, 2, -5। यहाँ लिखो ए माइनस बी इज इक्वल टू 3, -2, 0 और 3। ठीक है ना, ए वैल्यू आपके सामने दी गई है। सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, ऐड कर लेंगे, जैसे इसको हम ऐड कर लेंगे तो ऐड करेंगे तो ए प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस। आप देखो ऐड करोगे तो ए प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कितना हो गया, 2 ये हो गया, इज इक्वल टू इनको ऐड करो, -7 + 3 - 4 हो गया, 0 - 2 - 2 हो गया, 2 + 0 2 हो गया, -5 + 3 कितना आया, -2 हो गया, आ गया। अब इसमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए अब 2 नीचे ले आओ तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ आपके सामने आ गया -4 - 2 - 2। अब इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -4/2 - 2/2 और 2/2 एंड -2/2। सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो क्या मिला कुल मिला करके आपके सामने मिल गया 2 - 2 - 1, 1 और -1। तो ए वैल्यू किसकी आ गई, ए की। तो ए की वैल्यू आपके सामने कितनी देखने को मिली है, -2 - 1 - 1। अब इसी प्रकार से जैसे बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, बी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आप एक काम करो, इस ए की वैल्यू ले आ करके चाहे तो यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, -7, 0, 2, -5। तो b की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -7, 0, 2, -5 और -8। अगर इसमें से a घटा देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, b की वैल्यू मालूम हो जाएगी -7, 0, 2, -5, और a सबस्ट्रैक्ट कर दो, a कितना है, -2, -1, 1 और -1। ये चीज़ आपके सामने, तो अब देखो इनको सबस्ट्रैक्ट करेंगे, सबस्ट्रैक्ट करो आप तो -7 में -, क्या प्लस हुआ, कितना आया, -5, 0 - - क्या हो गया, 1 हो गया, 2 - 1, 1 हो गया, -5 और +1 कितना हो गया, -4 हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके सामने आ गया -5, 1, -4। तो b की वैल्यू ये हो गई,
बी की वैल्यू ए हो गई और ए की वैल्यू अपने सामने ए हो गई। ओके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसको हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। इसमें अपने पास में ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है और सी की वैल्यू ज्ञात करनी है और कह रहा है कि ए प्लस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, शून्य आवी है। तो यहाँ देखो ए प्लस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, शून्य आवी है। तो ए की वैल्यू आपके सामने कितना दी गई है देख लो, इसके स्थान पर कितना है 1 3 2 1 3 -1 प्लस टू। आपकी वैल्यू कितनी दी है भाई 2 1 1 2 -1 और ए 0 ये दी है। और आपके सामने सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, नहीं मालूम है। और शून्य आवयव का मतलब आप जानते हो, इसी शून्य आवयव भी जान लो एक तरह से, पहले इसे शून्य आवयव बाद में देखेंगे, ठीक है, सॉल्व करते समय। तब इनको सिंप्लीफाई कर लो पहले, तो ए हो जाएगा आपके सामने 1 3 2 1 3 -1 इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 -2 और 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, 1 4 कितना आ गया, 1 4 आपके सामने कितना आ गया, ये हो गया 5 और 3 2 कितना हो गया 5, इसी प्रकार 2 2 कितना हो गया 4, 1 4 कितना हो गया 5, 3 -2 कितना हो गया 1 -1 और 0 कितना हो गया -1 और ए प्लस सी इज इक्वल टू शून्य आवयव। अब देखो शून्य आवयव को हम लोग कैसे, इसको सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 -5 5 4 5 1 -1 इसका मतलब शून्य आवयव हमेशा उसी क्रम का होता है जिस क्रम में हमेशा जोड़ा या घटाया जाता है। तो 0 0 0 0 0 0 -, आपके सामने कितना आ गया 5 5 4 5 1 -1। तो चलो सिंप्लीफाई कर लो भाई, 0 में से -5 गए -5 0 में से -5 गए -5 0 में से -4 गए -4 0 में से -5 गए -5 0 में से -1 0 से a+1। तो अपने पास सी की वैल्यू आपको मालूम हो गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपके सामने रिजल्ट हो गया -5 -5 -4 -5 और -1 1 आ गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया ए दिया है बी दिया है और तुम्हें क्या कह रहा है 3a² - 2b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 3a² - 2b की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले एक काम करो a² ज्ञात करो, a² का मतलब हमने क्या बताया a into a का -1, 2 क्या है -1 और ये क्या है 3 और ये क्या है 2 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 -1 और यहाँ क्या लिखोगे 3 और यहाँ पर 2 करोगे। सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, तो इनको पहले इनके साथ, तो 2 2 ज़ा 4 -1 -3। अब इसका 2 का फिर -1 के साथ -2 और -1 का 2 के साथ में -2, ठीक है ना, ये हो गया। अब इनका सिर 3 into 2 6, 2 into 3 2 3 ज़ा 6 और फिर 3 को इनके साथ में -3 और 2 2 ज़ा +4। तो आपके सामने रिजल्ट कितना आ गया, 4 में से 3 गए 1 और -4 और ये हो गया 12 और ये हो गया आपका 1। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आपके सामने आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी है 1 -4 और 12 1 आ गया। हम वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है आपके सामने देखो 3a² - 2b, तो यहाँ लिखेंगे अतः 3a² - 2b इज इक्वल टू 3। ए स्क्वायर की वैल्यू देख लो कितनी है, ऊपर आपके सामने लिखी है क्या है 1 -4 12 1 -2b बी कितना है आपके सामने देख लो 0 4 -1 7 मल्टीप्लाई कर लो इसको 3 -12 36 और 3 सारे आवयवों से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करो 0 8 -2 और 14। अब इनमें से घटा देंगे तो 3 में से 0 घटाएंगे 3 आएगा -12 -8 कितना हो गया -20 और 36 + 2 38 और 3 में से हम -14 घटाएंगे तो -11। तो अपने पास में क्या आ गया 3a² - 2b की वैल्यू कितनी आ गई 3 -20 और 38 -11 आ गया, ठीक है। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दिया गया है, सोल्यूशन देखें इसका। क्वेश्चन नंबर फाइव का क्या दिया है, ए दिया है और बी दिया है। कह रहा है कि ए इंटू बी की वैल्यू क्या है, बी इंटू ए के बराबर नहीं होगी। तो चलो देख लेते हैं, ए इंटू बी 0 1 2 3 3 2 1 0 इंटू बी 0 3 1 2 2 1 3 0। इसका क्रम देख लो, इसमें दो पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, 1 2 3 4 चार स्तंभ हैं। इसमें चार पंक्तियां हैं, स्तंभ कितने हैं, दो हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन करना हमारे लिए संभव है। चलो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको आप देख लें पहले, इनको इनके साथ में। चलो शुरू करो, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। अब इसी को इनके साथ में 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0। अब इनको इनके साथ में 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 3 0।